हिंदू जागरण मंच के माध्यम से आज पड़गा में शाम को 5 बजे संत सम्मेलन होने जा रहा है और हिंदू धर्म सभा भी हो रही है। इसका आयोजन यहाँ के कई संत हैं उनको लेके हिंदू जागरण मंच ने किया है, लेकिन यहाँ के नए नए चुन के आए जो सांसद है इन्होंने मेरे नाम से कहा है कि इसका आयोजन मैंने किया है और ये आयोजन इसलिए किया है कि यहाँ पे जातिवाद दंगा हो, इसलिए मैंने किया, ऐसा उन्होंने मेरे ऊपर आरोप किया है। मैं तो कहता हूँ कि इनका थोड़ा सा बुद्धि का परीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये मैंने आपको दिखाया, ये कार्ड में स्पष्ट लिखा है किसने इसका आयोजन किया है। अगर ये देखे बगैर कोई इसके ऊपर एलिगेशन करता है तो निश्चित तौर पर इसको कोई आधार नहीं है। और मुझे जो समझ में आता है कि इनकी राजनीति अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इनको राजनीति करनी है। अभी विधानसभा के सभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा में जो नैरेटिव यहाँ पे फैलाया गया वो नैरेटिव के वजह से हमारे मुसलमान भाइयों ने एक साथ में आके जो वोटिंग किया वैसे ही विधानसभा में वोटिंग हो, इसलिए फिर से एक बार ये नैरेटिव सेट करने का काम किया है। 10 साल मैं सांसद था, 3 साल मैं मंत्री था, मेरे सांसद के कार्यकाल में और मंत्री के कार्यकाल में यहाँ पे एक भी दंगा हुआ नहीं, ना कभी हिंदू मुसलमानों में कभी तेढ़ निर्माण हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन रिजल्ट हुआ उसके दूसरे दिन एक पुलिस को भी टपली मारने का काम यहाँ पे हुआ है हमारे मुसलमान साथियों के साथ। उस वक्त ये कहा थे अगर ये इतनी लोकशाही मानने वाले हैं तो उस वक्त अगर सामने आके हमारे पुलिस भाइयों को कोई मार रहा था तो उसको सामने आके प्रोटेक्ट करना चाहिए था। क्या ये सारा इसलिए लोगों ने आपको चुन के दिया है कि भिवंडी का माहौल ख़राब करे? सही मायने में अगर कोई मुसलमान भाई बोलता कि कपिल पाटिल दंगा फैलाने का काम करता है तो मुसलमान भाई कभी ऐसा बोलेगा नहीं, क्योंकि वो मुझे सारे जानते हैं। सारे भिवंडी के मुसलमान साथी हमारे जो लीडर है ये सभी मुझे जानते हैं कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ, वो कभी ऐसा वक्तव्य नहीं करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता ने इस लोकसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए आपको चुन के दिया है, तो आप विकास के काम के ऊपर फोकस करिए। चुन के आए, दूसरे दिन किसी के साइड पे चले गए, वहाँ पे भी कह दिया कि सारे जो इल्लीगल यहाँ पे काम हो रहे हैं इन सभी को कपिल पाटिल का आशीर्वाद है। अभी भैया तुम ही एक बार भाषण में कह दिया तुमने खुद कि मेरे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मैंने 6 प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे कोर्स लिया है, तो तुम्हारा भी काम इल्लीगल है तो उसको भी मेरा आशीर्वाद है क्या? अगर ये सब स्वच्छ करना चाहते हो, साफ करना चाहते हो, तो पहले अपने प्रोजेक्ट से शुरू करो, गिराओ उसको, फिर लोगों के प्रोजेक्ट पे चले जाओ। खुद के प्रोजेक्ट पे स्टे लेने का और दूसरे का प्रोजेक्ट गिराने का, महाराष्ट्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाई रेगुलाइज की, गोडाउन की, और जो भी जितने भी इलीगल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है वो सभी को लीगल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है। तो लोग अभी एक एक करके अपना सारा जो इलीगल काम है वो लीगल करने के पीछे है। सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने अच्छी पॉलिसी बना के यहाँ पे जो किसान है जिनके गोडाउन है उनको सहूलत देने का काम किया है, तो उनको मदद करो। तो उनका ये गिराओ वो गिराओ, इसके लिए लोगों ने चुन के नहीं दिया तुमको। मैंने 10 साल में मेरे सांसद के कार्यकाल में और मेरे मंत्री के 3 साल के कार्यकाल में भी एक किसी अगर प्रोजेक्ट के खिलाफ लेटर लिखा होगा तो आप मुझे दिखाइए। मैंने कभी भी किसी की कंप्लेंट नहीं की, मैं यही चाहता था कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है। MMRDC को हमेशा बोलता था, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तभी भी बोलता था, शिंदे साहब आए तभी भी बोलता था कि सर इसको रेगुलाइज करना चाहिए, लोगों को आपको इस तरह से अगर रेगुलाइज करेंगे तो लोगों को अच्छी सहूलत होगी, और उन्होंने वो किया, वो पॉलिसी लाई। हम जनप्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि है, तो हमको है कि लोगों को हम क्या अच्छा दे सके इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। और ये क्या है, जब भी उठते दंगा करने के लिए कपिल पटेल ऐसा कर रहे, भैया मेरा ये आयोजन है ही नहीं, मेरे कपिल पटेल फाउंडेशन से अच्छे काम होते हैं। किसी को कोई बीमार है
तो उसको दवा के लिए पैसा हम लोग देते हैं, किसी को शिक्षा के लिए पैसा नहीं तो फीस भरने के लिए पैसा देते हैं, हम हेल्थ कैंप लगाते हैं, हमारे पास 3 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है जिसमें हम मोबाइल हॉस्पिटल चलाते हैं, डिस्पेंसरी चलाते हैं, गाँव गाँव जाके वो लोगों को दवा दे के आती है, उनका चेकअप होता है। एक अभी हमने 3रा गाड़ी लाया है जिसमें आँखों का चेकिंग होगा। ये सारा हम समाज सेवा का काम करते हैं, ये ऐसा काम करने का काम हमारा है नहीं। मैं ये टी राजा सिंह जी यहाँ पे आ रहे हैं, उनका कुछ उद्देश्य है, उनका एजेंडा है, वो पत्रिका में लिखा है, उसमें लिखा है क्या दंगा फैलाने के लिए आ रहे हैं। इसके पहले भी 2015 में कामत घर में इनका एक इसी तरह का सम्मेलन हुआ, उस वक्त दंगा हुआ क्या? भाईंदर में हुआ, वह दंगा हुआ ना, उनको उनके आने से पहले हुआ ना जाने के बाद में हुआ। हर एक धर्म को अपना अपना काम करने का अधिकार है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक इंसान को अपने धर्म का, अपने जाति का अभिमान होना ज़रूरी है। अगर हिंदू है तो मंदिर में जाए, क्रिश्चियन है तो चर्च में जाए, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाए, सिख है तो गुरुद्वारा में जाए। हर एक इंसान को अपने अपने धर्म स्थल में जाने का पूरा अधिकार है, जाना ही चाहिए। लेकिन जब हम वो धर्म स्थल से बाहर निकलेंगे तो ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, मैं अगर हूँ तो हिंदुस्तानी हूँ, ये भाव मन में होना चाहिए। और इनका अलग ही चला है, जब भी देखो उठते कुछ भी बोल देते। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं उनको लीगली नोटिस देने वाला हूँ, मानहानि का दावा उनके ऊपर करने वाला हूँ। इस तरह से अगर ये वक्तव्य करते रहेंगे तो हर एक वक्तव्य को मानहानि का दावा करके उनको मैं कोर्ट से नोटिस भेज के उसका जवाब देने वाला हूँ।